गाइज नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अमेजोन विंटर कलेक्शन हॉल। सो या एज वी ऑल नो कि अच्छी वाली ठंडी पड़ना शुरू हो गई है और काफी ज्यादा रिक्वेस्ट मुझे आ रही थी कि दी प्लीज विंटर वियर कलेक्शन हम लोग के साथ शेयर कीजिए। तो फाइनली मैंने कुछ शॉप किया है अमेजोन से एंड लिटरली अमेजोन पे इतना अच्छा कलेक्शन है ना, मतलब आपको अदर से कोई भी मार्केट में अलग से कोई भी स्टोर वगैरह पे कोई भी साइट पे जाने की नीड नहीं है। अच्छा वाला हाई एंड ब्रांड से लेके आपको नॉमिनल प्राइस के वहां पे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सो या मेक श्योर कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर से कीजिएगा। और जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, सारे लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी और एक लिंक रहेगा माय हॉल स्टोर का, तो माय हॉल स्टोर के लिंक पे आप क्लिक करोगे तो सारे प्रोडक्ट्स आपको विद पिक्चर एंड प्राइस वहां पे अवेलेबल रहेंगे, तो आप इजिली वहां से कैच कर सकते हो जो भी आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स चाहिए। सो वन मोर थिंग गाइज, अमेजोन पे अभी चल रही है फैशन मेगा डे सेल, तो ऑलमोस्ट जितने भी फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स है अच्छा वाला सब पे डिस्काउंट चल रहा है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम अगर आप अमेजोन से कुछ शॉपिंग करना चाहते हो और स्पेशली अगर विंटर कलेक्शन आपको लेना हो ना, सब पे बहुत अच्छा वाला डिस्काउंट है। सो या चलिए गाइज फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है गाइज, दैट इज दिस वन। ये मैंने एक जैकेट परचेज किया है एंड ये है ब्रांड क्यूब बाय फोर्ट कॉलिंस के। इसके बहुत ही अच्छा कलेक्शन है इस ब्रांड का पर्टिकुलर, और बहुत अच्छे रिव्यूज आपको मिल जाएंगे। तो मैंने ये ना थोड़ा सा क्या कलर बोलेंगे इसको, थोड़ा सा पैरेट कलर या थोड़ा सा ग्रीन, जो ऑलिव ग्रीन लाइट ग्रीन आता है, मतलब एग्जैक्ट मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट दिस इज रियली सुपर्ब। इतना प्यारा जैकेट है ये और इतना ज्यादा वॉर्म है, मींस ये जो एकदम कड़क वाली सर्दी पड़ती है ना उसके अंदर आप इसको पहन सकते हो, इतना ज्यादा वॉर्म है ये। एंड क्वालिटी गाइज आप लोगों के सामने है, आप देखो इतना सुपर्ब क्वालिटी के साथ है ये। एंड वी ऑल नो कि ये जो क्वालिटी होती है ना, ये जो फैब्रिक होता है, ये आपको ठंडी हवा से तो बचाता ही है, साथ ही साथ में अगर थोड़ी सा फॉगी मौसम है, फॉग गिर रही है या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो आप इजीली इसको कैरी कर सकते हो। अंदर से आपको कुछ इस तरह का मटेरियल मिल जाता है, तो एग्जैक्ट इसको क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, बट जो जैकेट्स के मटेरियल आते हैं ना, तो प्रॉपर इस तरह की जैकेट्स होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगती है पहनने के बाद। और इसका कलर आप देखो कितना ज़्यादा सुपर्ब है। तो फ्रंट में आपको जिप मिल जाती है और साइड में आपको दोनों साइड में इसकी पॉकेट मिल जाएगी। तो सर्दी में ना पॉकेट वाले जो जैकेट्स होते हैं ना, उनका टशन ही अलग होता है, एक तो हाथों को भी ठंडी से बचाते हैं और साथ में दिखने में बहुत प्रीटी लगते हैं। कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारे हैं और इसके अंदर आपको बहुत सारे वेरियंट, मतलब पर्टिकुलर जो ब्रांड है ना, इसके अंदर आपको अगर वो कैप वाला चाहिए या फर जो रहती है कैप में वो वाला चाहिए, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। बट मैंने ना सिंपल सा लिया है, एज पुणे में इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, तो ये वाला ना इस वेदर के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है। सो या दिस वन इज माय फर्स्ट परचेज। एंड जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइस, वो मैंने पिक किया है एक स्वेटशर्ट, और वो है ब्रांड वेरोमोडा से, एंड ये है कुछ इस तरह का स्वेटशर्ट, बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। यहाँ पे लिखा है यू गॉट दिस, एंड इतना प्यारा सा इसका कलर है, एकदम जो बर्गंडी ब्राउन कलर आता है ना वैसा इसका कलर है, थोड़ा सा ब्राउन रेड टच के अंदर है। राउंड इसका नेक आपको मिल जाता है, एज स्वेटशर्ट है तो फुल ही होगा। बाकी ओवरऑल और अंदर बात करें इसके फैब्रिक की, तो अंदर आपको ना ये वाला फैब्रिक मिल जाएगा जो काफ़ी वॉर्म रहता है, आई थिंक आपको देख के पता चल रहा होगा, काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है ये, तो बिल्कुल भी आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेगा। तो इसका ये जो फैब्रिक है ना, पूरा प्योर कॉटन का है, तो ऊपर आपको कॉटन मिल जाता है, अंदर आपको ये वॉर्म वाला फैब्रिक मिल जाता है, तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। इसके अंदर आप नॉर्मल अपना कोई टॉप पहन लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है आपके वहाँ पे, तो अंदर आप कुछ इनर, जो वॉर्म वाली इनर्स आती है वो वाली आप पहन सकते हो, एंड उसके बाद आप ऊपर ये पहन लीजिए। सो या यू आर रेडी टू गो, मतलब इतना प्यारा कलेक्शन मुझे लगा वेरोमोडा का है, बहुत ही अमेजिंग कलर कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। इनफैक्ट आपको बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, बट ठंडी में ना आप इस तरह के चटक चटक कलर पहनते हो ना, बहुत ही प्रिटी लगते हैं। एंड ट्राई ऑन में आपको देख के पता चल रहा होगा कि पहनने के बाद कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है, मतलब आप किसी भी कलर की जीन्स के साथ, किसी भी तरह के ट्राउजर्स, या फिर आप नॉर्मल सूट भी पहनते हो ना उसके साथ भी आप इस तरह के स्वेटशर्ट पहनोगे, बहुत ही प्रिटी लुक आएगा, मतलब डिफरेंट लगता है यार कुछ। सो या एंड जो नेक्स्ट वन है गाइस, वो मैंने परचेज किया है ब्रांड अमेजोन सोलिमो का, एंड अमेजोन का ही जो ब्रांड है खुद का अमेजोन सोलिमो, इसके प्रोडक्ट्स भी काफी ज्यादा अच्छे आते हैं, मतलब मैंने ट्राई किए हुए हैं। तो ये है कुछ ओवरऑल स्वेटशर्ट, बहुत ही सिंपल सा ये स्वेटशर्ट है, इसकी स्लीव्स में आपको इस तरह की ना व्हाइट स्ट्रैप्स मिल जाती है, जो कि काफी डिफरेंट लुक दे रही है इसको। बाकी इसका कलर आप देखो कितना ज्यादा प्रिटी है, अगेन इसका राउंड आपको नेक मिल जाता है, और अंदर ना इसकी सबसे खास बात है, अंदर का मटेरियल भी आपको कॉटन
कॉटन के अंदर मिलेगा। से दिस, मैं इतना पास से आपको दिखा रही हूँ, आई थिंक आपको देख के पता चल रहा होगा ये एकदम कॉटन फैब्रिक के अंदर है और ऊपर वाला जो मटेरियल है वो अगेन कॉटन के अंदर है। तो काफ़ी लोग होते हैं जिनको ना जो अंदर वॉर्म वाला मटेरियल रहता है जो इसके अंदर लगा हुआ था वो उनको सूट नहीं करता है, वो नहीं पहन सकते हैं पूरे दिन, या बहुत ज़्यादा अगर आपके वहाँ ठंडी नहीं है तो भी वो इरिटेट करता है। तो इस तरह के जो अंदर एकदम कॉटन मटेरियल रहता है ना, ये वाला फैब्रिक रहता है ना, ये काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता स्किन को, और नॉर्मल ठंडी है ना तो वहाँ आप इजीली इसको पहन सकते हो। सो ये साइज मैंने पिक किया है गाइज मीडियम, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा लूज आया है, तो जो भी आपका साइज है जो आप टॉप्स में नॉर्मली परचेज करते हो उससे एक छोटा साइज परचेज कीजिएगा, क्योंकि मुझे काफ़ी लूज लग रहा है मीडियम साइज, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके साइज में थोड़ा सा इशू है, तो मैंने इसको रिप्लेसमेंट पे डाल दिया है, वैसे तो रिप्लेस हो जाएगा। तो अमेजोन की सबसे अच्छी बात यही होती है रिटर्न रिप्लेसमेंट बहुत ईजी हो जाता है। सो या ये है मेरा थर्ड परचेज, ओवरऑल लुक आप लोगों के सामने है, दिखने में कितना प्रिटी लग रहा है, थोड़ा सा लूज है बट इस तरह के ना लूज लूज भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, कूल लगते हैं। इसके बाद मैंने परचेज किया है ब्रांड मैक्स से, एंड ये थोड़ा सा मैंने एकदम जो लाइट ऑलिव कलर होता है ना वो वाला परचेज किया है, क्योंकि दिखने में इतना प्रिटी लग रहा था, स्क्रीन पे थोड़ा सा ये और भी ज़्यादा लाइट लग रहा है, बट वैसे इसका कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा इस तरह का है, जो पिस्ता कलर आता है ना, डार्क पिस्ता कलर वैसा है। तो ओवरऑल इसके ये सिंपल सी स्लीव्स है, राउंड इसका नेक है, अंदर आपको अगेन इस ये कॉटन फैब्रिक के अंदर ही मिल जाता है सी। तो ये एकदम जो प्रॉपर स्वेटशर्ट होते हैं ना जो नॉर्मल हल्की फुल्की ठंडी में पहने जाते हैं, इस तरह का ओवरऑल इसका लुक एंड डिज़ाइन है। इसके फ्रंट में आपको कुछ इस तरह के लेटर्स के साथ जनरेशन लिखा हुआ है, काफ़ी प्रिटी लग रहा है ये भी, बट कलर्स थोड़ा सा कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा है, बट कलर्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, प्रिटी है, तो अगर आपका कोई भी स्किन टाइप हो आप इजिली इसको पहन सकते हो। एंड मैक्स भी ऑल नो की अच्छा ब्रांड है, और ये भी मैंने अगेन मीडियम ही परचेज किया है, बट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है, मतलब इसकी फिटिंग काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। सो या नेक्स्ट गाइस मैंने परचेज किया है एक कार्डिगन, क्योंकि काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको कार्डिगन्स पहनना अच्छा लगता है, जीन्स पे भी चल जाते हैं, सूट पे भी चल जाते हैं, इवन आप साड़ी पहनते हो तो भी साड़ी पे इजीली आप कार्डिगन्स को कैरी कर सकते हो। सो ये लिया है मैंने एक बहुत ही प्यारा सा कार्डिगन, बहुत ही सिंपल सा है, बिल्कुल भी तड़क भड़क नहीं है, इस तरह की ऊपर आपको सेल्फ डिज़ाइन मिल जाती है, सी दिस, स्लीव्स में भी आपको थोड़ी सी डिज़ाइन मिल जाएगी, अगेन पूरी स्लीव सिंपल सी है, एंड जो फैब्रिक है दैट इज़ प्योर वूलन, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, वॉर्म है, एंड उसके बाद आपको फ्रंट में आपको इस तरह के बटन्स मिल जाते हैं, तो बटन्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, कार्डिगन्स के में ना बटन अच्छे होना तो कार्डिगन्स का लुक काफ़ी ज़्यादा प्रिटी आता है। सो ग्रे कलर मैंने इसके अंदर पिक किया है, इसके अंदर आपको बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएंगे। सो ये है कुछ इसका ओवरऑल डिज़ाइन, नीचे जाके आपको थोड़ा इस तरह का कट वाला डिज़ाइन मिल जाता है, पूरे ओवरऑल इस कार्डिगन में आपको इस तरह का कटिंग वाला नीचे पैटर्न दिया हुआ है। सो ये जो डिज़ाइन बनी हुई है ये आपको टॉप पे मिलती है, सिर्फ यहाँ पे अपर पार्ट पे मिलती है, स्लीव्स के भी अपर पार्ट पे मिलेगी, लोअर में जाके ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, और इसके साथ में गाइस आपको पॉकेट भी मिल जाती है, और इसका जो फैब्रिक है ना इतना ज़्यादा वॉर्म है, बहुत ही अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी सारे अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद मैंने परचेज किया है एक स्वेटशर्ट, एंड दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड जोकी, एंड बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब जोकी वी ऑल नो की कंफर्ट के कारण ही माना जाता है, मतलब सब जानते हैं ना जॉकी मीन्स कंफर्टेबल, तो बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है ये। सबसे प्यारा मुझे इसका कलर लगा, सी द कलर, पिंक के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, जिप पैटर्न के साथ आपको मिलता है, और जिप आपके पूरे हाई नेक को कवर करती है, और पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, एंड दिस इज़ प्योर कॉटन, मतलब इतना ज़्यादा कंफर्ट वाला इसका मटेरियल है। अंदर से मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगी, अंदर वाला मटेरियल आप देख सकते हो इस तरह का है, जो कि वॉर्म भी रहेगा, प्लस ये कॉटन फैब्रिक के साथ भी है, और बाहर वाला जो फैब्रिक है दैट इज़ दिस वन, द नेक पे आपको इस तरह का थोड़ा सा ना क्रीम पार्ट दिया हुआ है, तो अगर आप जैकेट खुला रखते हो या पूरा नेक तक कवर नहीं करते हो तो थोड़ा सा क्रीमिश जो डिज़ाइन है वो बाहर डिस्प्ले होती है, बाकी आप पूरा ओवरऑल इसको अगर आप बंद करके रखोगे तो भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगेगा। दोनों साइड में आपको इसकी पॉकेट्स मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, नॉर्मल अगर आपका बड़ा हो तो आप नहीं रख सकते, बट क्वालिटी के अंदर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है जॉकी ने, बहुत ही कंफर्ट है, इवन इसका जो फैब्रिक है ना इसको आप रेनी सीजन के अंदर भी वेयर कर सकते हो, बहुत ज्यादा बारिश होती है, हल्की फुल्की ठंडी भी होती है बारिश के दिनों में, तो उसके लिए काफी ज्यादा परफेक्ट है, मतलब पुणे बैंगलोर अगर आप रह रहे हो ना तो ये आप लोगों के लिए परफेक्टली मैं आपको रिकमेंड करूंगी। या गाइस ये था मेरा विंटर कलेक्शन जो कि मैंने अभी रिसेंटली अमेजोन से परचेज किया है, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे।
जितने भी प्रोडक्ट्स हैं लिंक्स मैं आपको ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, आप लोग जाके चेकआउट कर लीजिए। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं अगेन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।